पहले एक नए और धमाकेदार प्रोजेक्ट के लिए आपका स्वागत है और बहुत सारी बधाइयां हैं सास बहू और बेटे के इस लाइव चैट सेशन में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बहुत कैची लग रहा है जो आप तुम हमने देखा है, तो मुझे शुरुआत करते हैं सब कुछ है उसमें जो जितना मसाला चाहिए और या जितना उनकी जिंदगी से जो लोगों ने पढ़ा है इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सब कुछ उसमें उसकी झलकियाँ नजर आ रही है। महेश जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो वी हैव द बुक बीइंग मेड इनटू द वेब सीरीज और मेरा जो किरदार है इट एंटर्स एट द टाइम व्हेन मोदी जी बिकम्स चीफ मिनिस्टर एंड द जर्नी फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे आप कहते हैं मसाला है सब है वो सारी चीज़ें किताब में थी विच वॉज विच मेड इट एन इंटरेस्टिंग बुक एंड दैट इज द रीजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वेब सीरीज। मैं जी कोई भी बायोपिक बनती है इसको हम चूज करते हैं तो उसे फिल्म की स्टडी लेने में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो एड ऑन होती हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व मोदी जी का जो व्यक्तित्व बड़ा साधारण रहा है और संघर्ष करा रहा है वो झलक भी रहा है दोनों में। तो इसमें वो मैंने कहा ना कि फिल्म बनाने में जो चीज़ें एड ऑन कर दी जाती हैं वो भी नज़र आ रही हैं तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो फिल्म में जो नज़र आई है I don't know how you're looking at it. जो भी किट लिखी गई थी मोदी जी को सामना करना पड़ा विद गोदरा राइट्स कंसर्न जहाँ पे हमने शूट किया है बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट किया जैसे होना चाहिए। अब बिकॉज उमेश जी इज फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड तो उनकी जो टेकिंग है उनके जो जिस तरीके से वो शूट करते हैं यू नो इट इज़ वेरी सुपीरियर बिकॉज बहुत ही एक्सपीरियंस डायरेक्टर है एंड द टेक्निकल टीम ऑल्सो वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करती है प्रोजेक्ट को एंड गिव्स यू अ फील ऑफ हाई क्वालिटी। जो काम हम टीवी पर कॉट डिलीवरी डेडलाइन तो मतलब कितने टाइम पे हमको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है फॉर टेलीकास्ट लेकिन जब हम फिल्म बनाते हैं तो टेलीकास्ट का इश्यू नहीं होता है तो हम आराम से फिल्म शूट करते हैं। तो ये वेब सीरीज आराम से शूट शॉट्स जिस तरह से शॉट्स लिए गए थे एंड बीइंग डिजाइन ब्यूटीफुल तो डेफिनेटली वो फिल्म की झलक है बिकॉज वी हैड इनफ टाइम टू शूट द प्रोजेक्ट यू नो इट वाज नॉट ट्रीटेड एज अ टेलीविजन शो आई वुड से। अगर देखिए विशेष की बात हो रही है मोदी के साथ वैसा ही जो चीज़ आपने आप दर्शाने की थी राइड राइड भी आपको कॉमर्स में नजर आ रहा है ऐसा नहीं कि फिल्म में दिखाया जाएगा उसको सरप्राइज एलिमेंट रखा गया वो भी नजर आ रहा है मतलब हर एक पहलू जिस पे सबसे ज्यादा निशाना उस व्यक्ति विशेष को बनाया जाता है वो उसमें आपने सुना है और बड़ी निडरता के साथ सुना तो वो कॉन्सेप्ट प्रोमो में डालने का कैसे दिमाग में आया? देखिए मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ जहाँ मी एज एन एक्टर मुझे अप्रोच किया गया था बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है बनता है बहुत एक टीम के साथ एक बहुत ही बड़ी टीम होती है एक्टर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टीम आई डू माई जॉब वेल और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ आपको महेश ठाकुर स्क्रीन पर नजर आ गया तो मेरा काम सफल नहीं हुआ। जब मैं स्क्रीन पर एंटर करता हूँ मैं मोदी जी के किरदार में हूँ आपको मोदी जी नजर आने चाहिए आपको उस कहानी के साथ आगे चलना चाहिए जहाँ आपने महेश ठाकुर देख लिया तो मेरा काम मतलब आई फेल्ड एज एन एक्टर यू नो। सो द टीम ऑल्सो इक्वली जो भी हमने टीम खड़ी की थी जो भी टीम हमारे साथ थी चाहे वो डायरेक्शन टीम हो कैमरा टीम हो आर्ट डिपार्टमेंट टीम हो आर्ट डायरेक्शन हो कॉस्ट्यूम हो हेयर हो जो भी टीम है हमारी जो लोग काम करते रहे सबने दिल लगा के काम किया है और इस वजह से जो प्रोडक्ट आपके सामने आता है इट लुक्स ऑथेंटिक इट लुक्स गुड इट लुक्स समथिंग विच यू आर प्राउड ऑफ यू नो। तो क्रिएटिवली स्पीकिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क विच वी पुटिंग टुगेदर यू नो चाहे आप उसे यू नो यू आप यू आर गिविंग द ऑनर बाय कॉलिंग इट फील्स लाइक अ फीचर फिल्म दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू से बट यस इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच हैज गॉन मतलब बहुत ही मेहनत गई है इसमें और हमने इसको जोड़ा हुआ है एंड आई होप द ऑडियंस लाइक इट। मैं कहना चाहूंगा वो मेहनत नजर भी आ रही क्योंकि इस जो एज का आप किरदार कर रहे हैं जो मोदी जी के आवासीय उसमें आप एकदम भी बहुत परफेक्ट लग रहे हैं मोदी जी नजर आ रहे हैं। अगर आप गलती से लाल लाल किले में जाकर कोई आदेश पारित करते तो उसे मान गेटअप है और जो आपके लुक है बहुत मैच कर रहे हैं तो उस पर क्या वर्क किया आपने उसके लिए आपने क्या तैयारी की?
ओके बेसिकली जब मुझे ये रोल ऑफर किया गया था वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द लोकेशन जो यू नो जब हम शूट करते हैं तो यू गेट परमिशन फॉर द लोकेशन यू नो तो वो जो परमिशन थे जिस तरह से शेड्यूल बन रहा था मेरा पहला शूट जो होने जा रहा था वो करीब 6-8 दिन के अंदर होने जा रहा था और मुझे सिर्फ उतना ही विंडो मिला था टू प्रिपेयर फॉर द रोल ओके तो जब सामने उमेश जी ने मुझे बुलाया था एंड यू नो वी हैड अ वर्ड अबाउट दैट तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास टाइम होगा मतलब कम से कम महीना डेढ़ होगा तो उमेश जी ने बोला नहीं ऐसा है कि हम इतना काम कर रहे हैं इस पर और वी वांट टू गेट दिस रोलिंग एज सून एज वी कैन बिकॉज फिर उसके बाद इलेक्शन होने जा रहे थे परमिशन मिलना मुश्किल होगा यू नो प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा तो हमको अभी पता चला है कि जो शूट होना है ऐसे सर्टेन लोकेशंस पे वी हैव टू फिनिश दिस शूट ठीक है करते हैं तो उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड ऑडियोज ऑफ मोदी जी विच इज पब्लिक डोमेन जैसे यूट्यूब पे हो या उनके जो स्पीचेस हो जस्ट टू पिक अप हिज न्यूएंसेस या वो कैसे मतलब खड़े होते हैं कैसे बातें करते हैं उनके हैंड जेस्चर्स हर एक चीज़ उसके बाद मेरे सामने डायलॉग्स दिए गए तो मुझे वो मेमोराइज करने पड़े बिकॉज आई डोंट स्पीक सच शुद्ध हिंदी एज मोदी जी डज यू नो सो उसको मुझे ध्यान देना पड़ा देन ऑन द सेट आई हैड पीपल हु यूज्ड टू हेल्प मी टू पुट द गुजराती एक्सेंट इन तो एक होता है डायलॉग याद करना एक होता है पॉज याद करना एक होता है उसका एक्सेंट भी निकालना खड़े होना न्यूएंसेस तो ये एक चैलेंजिंग रोल था है और मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है आज बड़ी सच्ची लेकिन बायोपिक बहुत सारे मामलों को प्रबंध की है लेकिन मोदी जी के ऊपर एक बायोपिक बन रही है जिनको अडॉप्ट करके बनाई जा रही है तो उसका हिस्सा बन रही है आप कितना गौरव महसूस करते हैं कि आप करके किरदार निभा इट इज अ वेरी 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 ऑनरेबल थिंग एंड अ वेरी इट्स समथिंग टू फील प्राउड अबाउट मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ जैसे आपने पूछा डेफिनेटली कोई भी एक्टर मेरी जगह होता would also feel and he would grab the role definitely karna chahega and but the approach to the role jo approach hai ye is very important for all the audience to know and also for all the other actors you know to know that for me it was more stressful to get it right aur kahin par bhi main nahi chahta tha ki log ko mahesh thakur nazar aaye because jahan aapne mahesh thakur ko dekh liya mera kaam safal nahi hua दिस एफर्ट कि अगर लोग बाद में बोले भी तो एक एक्टर आया था महेश ठाकुर और मुझे वो दे डोंट कनेक्ट विथ मी दैट आई डिड द रोल आई एम ओके विथ इट कम से कम मैंने जो काम किया है इट्स बीन सो सक्सेसफुल दैट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज मी इट्स द सेम पर्सन हु डिड द रोल तो मेरे लिए वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट यू नो एंड अ सेंस ऑफ प्राइड दैट आई हैव प्लेड द लिविंग लेजेंड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करंट प्राइम मिनिस्टर जो मेरे ख्याल से कभी हुआ ही नहीं है हमारे हिस्ट्री में कि देयर इज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज एन एक्टर प्लेइंग द प्राइम मिनिस्टर हु इज एज ऑफ सो ये आज तक ऐसे मतलब सो इट्स समथिंग वेरी नाइस टू फील प्राउड अबाउट यू नो सो या आई एम हैप्पी अबाउट इट आपकी पर्सनली मुलाकात हुई कभी समारोह में कभी नहीं कभी आज तक नहीं शायद ये प्रोजेक्ट देखने के बाद मे बी आई विल गो एंड रिंग हिज डोरबेल एंड से यू नो सर मी आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स मैंने आपका रोल निभाया है महेश ठाकुर के रूप में जाऊंगा मैं बिल्कुल जी नॉट वेयरिंग द कॉस्ट्यूम एंड ऑल नॉट मैंने आपका रोल किया है जी एक जगह हमें दिखाया जा रहा है कि उनका आधार ईश्वर से भी बड़ा जुड़ाव है भगवान से ईश्वर से भी कनेक्टेड है तो इस तरह का विचार किसी व्यक्ति विशेष और वो लीड करता है समाज को देश को तो एक अलग इमेज बनती है लेकिन आप जिस मुद्दे मतलब जिस व्यक्ति विशेष के किरदार निभा रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है जैसे प्रोमोट आर्टिस्ट दिखाया जा रहा राइट दिखाया जा रहा तो कहीं आपको लगता है कि कॉन्ट्रोवर्सी भी जनरल में कुछ देखिए जो भी मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ आप कोई भी लीडर उठा के देख लीजिए ऐसा कौन सा लीडर है जो कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं लिखता कौन ये पॉलिटिक्स है जो भी इस कुर्सी पे है उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा रहती है बिकॉज इट इज फ्रॉम पॉलिटिक्स इट इज पॉलिटिक्स लेकिन पॉलिटिक्स को अलग करके जो हमने काम किया है इज वॉट इज जो
the thing which has been already documented and it's out. You know, so let's not get into controversies. Controversies to hamesha rahegi har ek political character ko leke. You know, you talk about any political leader, any salo sal se jo bhi aaya hai, they come with the thought of bringing change to the society. Right. And you'll always have people for and against. Aap kisi ko bhi le lijiye. Any, I don't want to take names, but you take any political figure, any political head, you know, and you'll have people for and against. Because they tried to bring change. Unhone badlav lane ki koshish ki hai. You know, to usme hum nahi jana chahte. Main us direction mein nahi jana chahta hu. Hum sirf ye kehna chahte ki jo kaam kiya, jaise aapne kaha ki it looks like a feature film. Yes, go and see the product because it looks like a feature film which is coming in your home and you can connect to it as a story. Dekh lo, bas sirf dekh lo. I would feel that if you'll watch it, it's good enough. Ek baar dekh lo, kya banaya hai. Maza aa gaya tha kaam karne mein, aur I'm sure the people will enjoy also. Right, you say aapne. Isme dialogue bhi hai ki satta ke bina seva हो सकती है सत्ता के बिना सेवा, लेकिन सत्ता के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता. तो आपको लगता है कि ये तकनीक सही है और इस वक्त इसी तरह की सत्ता की जरूरत है जिससे परिवर्तन हो. देखिए, जो भी आते हैं पावर में, जो भी आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं. कोई ऐसा कुर्सी पे नहीं आता जो कहता है कि भाई जैसा है चलने दो, मैं खुश हूँ, आप भी खुश हैं. Everybody comes with their thoughts, which is the reason people are voted into power. उन लोग पावर में इसलिए आते क्योंकि उन लोग चेंज लाना चाहते हैं, समाज के लिए चेंज लाना चाहते हैं. सो यस, कोई भी पॉलिटिकल हेड अगर कुर्सी पे आता है, he comes to the seat of power, उसका काम है to bring changes. Right? उस वजह से उनको वोट दिया जाता है. चलाने का वोट नहीं है, जिंदगी इंप्रूव करने का वोट है. हर एक की जिंदगी बेटर हो जाए उसका वोट है. तो वो हर एक पॉलिटिशियन का काम होता है करने के लिए. तो मेरे ख्याल से वो डायलॉग बिल्कुल सही है और वो चाहे मोदी जी हो या कोई भी दूसरा नेता होता, तो ये डायलॉग बैठता है. You know, basically it's about change. अच्छे निभाते रहते हैं, आप पीढ़ी से भी जुड़े रहते हैं. अच्छा, अभी फिलहाल ऐसा है कि बहुत सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, यू नो, तो बहुत सारे ऑफर्स आए हैं वेब सीरीज के, बिकॉज होता है वेब सीरीज का, उसके जो ऑडियंस होते हैं इज ग्रोइंग लार्जर इन नंबर. ये पैंडेमिक खत्म हो जाए जितनी जल्दी हो सके, हर एक इंसान अपने काम पे लगे और हम भी काम पे लगे, यू नो. सो बेसिकली वही है, हम सब घर बैठे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, परिवार का ख्याल रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक जितना जल्द हो सके खत्म हो जाए और सब की दिवाली अच्छी जाए, सबका न्यू ईयर अच्छा जाए, सबके त्योहार, एवरीथिंग, एवरीबॉडी सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी. अपने फैंस को, दैट्स व्हाट आई विल से. अपने फैंस को दिवाली के मौके पर मोदी सीजन 2 के लिए क्या कहना है? मैं कहना चाहूंगा कि मित्रों, महेश ठाकुर जी आ रहे हैं मोदी के रूप में. हम चाहते हैं कि आप ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा. ये पूरा इमोशन के साथ नहीं कहा, बिकॉज ये जूम कॉल है तो बेसिकली वहां तक है, लेकिन अगर मैं गेटअप में होता तो कुछ बेटर परफॉर्म कर जाता. राइट राइट, वो गेटअप आपके ऊपर बहुत फिट कर रहा है और बहुत ऑथेंटिक लग रहा है. अच्छा, एक चीज और भी बोले थे कि ओरिजिनल फुटेज भी आगे फुटेज इस्तेमाल किए गए, तो एक जगह पे देख रहे हैं वो टर्म स्पर्श कर रहे हैं, इनके छू रहे हैं, माता देख रहे हैं, तो ओरिजिनल फुटेज भी इस्तेमाल किए हैं और उसी पर क्लिक करते ही आपके आपका चेहरा है, तो बड़ी समानता है पर सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि इतना एडॉप्शन को लेकर बड़ा मुश्किल होता है किरदार. बिकॉज ये जो जिस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है, वी हैव ऑथेंटिकेटेड जो भी मोदी जी के लाइफ में हुआ है, जिस तरह से उनकी जर्नी चली है, वो सारे शॉट्स को मैच करके हम लोगों ने किया था. तो हमको ये शॉट नजर आता है जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए पहले क्या हुआ था हमने वो दर्शाया, उसके बाद ये होता है वो दर्शाया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि जो भी ये काम हुआ है इस प्रोडक्ट पे, मैं इसको प्रोडक्ट बुला रहा हूँ, इज द एक्चुअल प्रोडक्ट
विच इज गॉट मोर ऑथेंटिसिटी देन एनीथिंग आउट देयर. ये है बिकॉज किशोर जी ने जो मुझे सुनने में आया था, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मोदी जी टू राइट द बुक जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन. ओके, एंड ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मोदी जी. उसके बाद बुक वेंट इन टू पब्लिशिंग एंड प्रिंट. इट्स बीन आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बुक को लेके, जीरो. क्यों? क्योंकि फैक्चुअल है. नहीं तो जब किताब रिलीज होती है तो 10 लोग पढ़ते हैं, बोलते ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत. कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी किताब को लेकर. इसीलिए उस किताब को उठाकर हमने वेब सीरीज बनाई और उस पर काम किया. हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, कुछ काटा भी नहीं है. जैसा है बिल्कुल वैसा है, आपके सामने पर्दे पे आ रहा है. आपके सामने भी लगता है. यस, बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने की महेश जी. हमेशा आपसे बात करके बड़ा मजा आता है. फिर से मुलाकात होगी आपके नया प्रोजेक्ट के साथ और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर.